इस लेसन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एक्सेंट क्या चीज़ है और सॉन्ग्स बजाते वक्त हम जब एक्सेंट्स यूज़ करते हैं तो कैसे हम उसी सॉन्ग में सोल लेके आ सकते हैं। और इस लेसन में मैं बात करूँगा कि कैसे आप बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे एक्सेंट्स के साथ बजाना आप अचीव कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सॉन्ग होश वालों को खबर क्या, इस सॉन्ग को मैं विदाउट एक्सेंट बजाऊंगा और विथ एक्सेंट। पहले विदाउट एक्सेंट, आई नो आपने जो सुना आपको ये बहुत लाउड थ्रू आउट लाउड सुनाई दिया, उसमें सोल की कमी महसूस हुई। अब मैं आपको एक्सेंट के साथ बजा के दिखाता हूँ ये कैसे सुनाई देगा। मैंने कोई नोट्स बजाते वक्त बहुत ज़ोर से बजाया और कोई नोट जब मैं बजा रहा था बहुत सॉफ्टली बजाया। तो एक्सेंट करना मतलब ज़ोर से बजाना, एक्सेंट दे करके मैं उस प्लेइंग में डायनामिक्स ला सकता हूँ, वॉल्यूम्स के अप्स एंड डाउन्स में उसमें पैदा कर सकता हूँ। तो आप जब इस प्रकार बजाएंगे तो आपके प्लेइंग में आप जो बजाना कहना चाहते हैं उसमें आप जान लेके आएंगे। तो ये एक्सेंट है जिसमें आप डायनामिक्स, डायनामिक्स इज अप्स एंड डाउन्स इन वॉल्यूम। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से साधा जाता है। अब सबसे पहली बात, ये क्रिएटिव कॉल है कि मैं कब एक्सेंट देना चाहता हूँ, कब मुझे एक्सेंट नहीं देना है। जैसे कि अभी मैंने जो बजाया, मैंने ऑन द स्पॉट क्रिएटिव कॉल लिया कि मैं कहाँ पर मुझे एक्सेंट करना है। वो क्रिएटिव समझ आने के लिए शायद थोड़ा वक्त जाएगा अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जो हर बिगिनर को पता अगर हो तो आप ज़रूर अपनी क्रिएटिविटी को अपने स्किल की जोड़ देंगे और बजा पाएंगे विथ एक्सेंट्स। तो यहाँ पे मैं सिंपल स्केल्स के ज़रिए आपको ये प्रैक्टिस देने वाला हूँ। हम अभी एफ मेजर स्केल में अगर कुछ बजाते हैं, दिस इज़ एफ मेजर स्केल, हर कोई बजाता है एफ मेजर स्केल। अब बेसिकली एफ मेजर स्केल को आप जिस फिंगर पोजिशनिंग के साथ बजाते हैं आप सुन सकते हैं थ्रू आउट लाउड है, टा 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 टा। अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो कोई स्पेसिफिक नोट्स को, स्पेसिफिक स्वरों को मैं एक्सेंट करूँगा। तो जैसे कि मैं गा के पहले सुनाता हूँ, सारे गम मगरेजा। अगर आप ये मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं दो स्वरों के बाद एक्सेंट देता हूं, कैसे, सारे गम पद नीजा सानी धाप मगरेजा। अब बेसिकली यहाँ पर मैं किसी भी नोट को डिसकंटिन्यूअस नहीं बजा रहा हूँ, भले मैं उसे सॉफ्ट बजा रहा हूँ लेकिन उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में बजा रहा हूँ। जैसे कि ये कर रहा हूँ मैं, ना कि ये नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसको हम स्टकैटो कहते हैं, लेकिन स्टकैटो हमें यहाँ पे नहीं बजाना है, लेगैटो स्मूथली बजाना है, जो लेगैटो बोलते हैं जिसको। जब आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको ये शायद महसूस हो रहा है कि उस फ्रीक्वेंसी को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि हर दो स्वरों के बाद आपको लाउडली बजाना है, मेंटेन नहीं हो रहा, भले आपको ये पता है लेकिन वो आपके फिंगर्स में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप एक्सेंट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से बजाएं। सॉन्ग्स के लिए तुरंत आप शायद नहीं बजा सकते, तो इससे आप वो साध सकते हैं।
अब मैं शायद कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ कि सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा। तो मैं हर इवन स्वर को एक्सेंट कर रहा हूँ, जैसे कि आप जब ये मेरे साथ कर रहे हैं एक दिन में आप कोई भी एक स्केल ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग स्केल्स के साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ एक हाथ की प्रैक्टिस है, इसी को आप लेफ्ट हैंड से भी जोड़ सकते हैं। मैं उसका भी लेसन आपके लिए कभी लेके आऊँगा, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर मदद करेगी। अब तीन बीट्स के साथ ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, हर तीन बीट्स में पहली बीट यानी कि सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा, ये कर रहा हूँ मैं, आपको बजा के दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस स्वर को मैं एक्सेंट कर रहा हूँ जो कि आपको करना है। यही चीज आप अलग स्केल्स पे भी कर सकते हैं, जैसे कि सी शार्प मेजर। सी शार्प मेजर स्केल का जो फिंगर पोजिशनिंग है, जो स्टैंडर्ड हम कहते हैं, तो अब मैं कोई एक्सेंट या कोई डायनामिक्स मैं नहीं दे रहा हूँ, हर नोट को मैं ज़ोर से बजा रहा हूँ, लेकिन अब इसमें डायनामिक्स ऐड करते हैं हर चार स्वरों के बाद। तो सा रे ग म प ध नी सा, इस प्रकार। अलग अलग स्केल्स पे आप अलग अलग पोजीशंस पे एक्सेंट दे सकते हैं। ये पहली फेज थी जहाँ पे मैं फिक्स जगहों पे एक्सेंट दे रहा था। अब सेकंड फेज में जब आप इसमें कंफर्टेबल हो, तब आप स्पेसिफिकली किसी स्वर को एक्सेंट ना देते हुए रैंडमली चूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सेंट देना है। आप सिंपली सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा करते रहिए। जब आप चाहें यू कैन जस्ट टैप ऑन योर लैप, लैप पर सिर्फ टैप करिए जहाँ पे आप एक्सेंट देना चाहते हैं। वो एक सिग्नल है जो आप अपने राइट हैंड को देते हैं जोर से बजाने के लिए। तो आप ऑन द स्पॉट डिसाइड कर रहे हैं आपको कब एक्सेंट देना है, और वहां पे आपसे एक्सेंट बज रहा है, आप उसे एक्सेंटेड लाउड सुन रहे हैं, ये इसका फल है। इसे थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप ज़रूर इसे साधेंगे, रेगुलरली आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूँ कि जिसमें आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड का जो एक्सेंट या फिर डायनामिक्स लेवल है वो समझना है, कैस किस प्रकार समझना है। तो क्या होता है, हर कीबोर्ड अलग होता है। किस कीबोर्ड में आप हल्का सा सॉफ्टली प्रेस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, किस कीबोर्ड में शायद ये होता है कि आपको बहुत लाउडली बहुत ज़ोर से पटकना होता है तब जाकर के वो मैक्सिमम लाउडनेस देता है। तो ये इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कीबोर्ड्स। तो हमें अपने कीबोर्ड से पहले फ्रेंडशिप करनी है कि उसका डायनामिक्स रिस्पॉन्स कैसा है, कितनी प्रेशर या फोर्स लेवल पे आपको कितना डायनामिक्स मिलता है या कितना लाउडनेस या कितना सॉफ्टनेस मिलता है, जो शायद थोड़ा वक्त लग सकता है। जिन मेरे श्रोताओं के पास ऐसा कीबोर्ड नहीं है जो अलग अलग वेलोसिटी लेवल्स पे अलग अलग लाउडनेस देता है, मतलब जिनके कीबोर्ड में वेलोसिटी ये फीचर या टच रिस्पॉन्स ये फीचर नहीं है, वो शायद इस चीज़ को नहीं बजा पाएंगे। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी इसे समझ लें, बिकॉज शायद अपना अगला कीबोर्ड ऐसा अपग्रेड होगा जिसमें ये सारे फीचर्स आपके पास होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जब एकदम सॉफ्टली बजा रहा हूँ, इतना सॉफ्टली कि मैं खुद इसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगा, हल्का मैं इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू करता हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है, अब और ज़ोर से पटकूँगा। अब एक लेवल ऑफ फोर्स के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि लाउडनेस बढ़ नहीं रहा, तो उस लेवल के बाद
मुझे नहीं जाना है, बिकॉज उससे मैं और लाउड नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ ज़ोर से पटक रहा हूँ। तो मुझे उतने ज़ोर से पटकने की ज़रूरत नहीं, मुझे हार्म नहीं पहुँचाना है अपने कीज़ को। तो इस प्रकार आप भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले डायनामिक्स के साथ बजाते वक्त अपने कीबोर्ड को समझिए किस प्रकार वो डायनामिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। अप्स एंड डाउन्स, ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो उसमें सोल लेके आ रहा है। तो आई होप आपने मेरे साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस की है, आप हर स्केल पर इसे प्रैक्टिस करेंगे, अपने मन से एक्सेंट पॉइंट्स ऑन द स्पॉट चूज करके इसे प्रैक्टिस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, मेरे वीडियोस देखते रहिए। भूषण म्यूजिक फाइल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।